हेलो दोस्तों, मैं रंजीत ठाकुर आज फिर आपके सामने पहुंचे हुए पर्यावरण पर। एक स्नेक है मेरे पास, दुनिया का सबसे खतरनाक स्नेक रसल वाइपर जिसको कहते हैं, डिब्बे में है, शायद दिख पा रहा होगा। इसे हम पर्यावरण पर सुरक्षित स्थान है, बस्ती से बहुत दूर, गांव बस्ती से, और इसे यहां रिलीज करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये हीमोटॉक्सिन का बहुत अधिक जहरीला स्नेक है और ये स्नेक के अलग अलग स्थान के हिसाब से अलग अलग नाम रहते हैं। कहीं महामंडल बोला जाता है, कहीं पर रावण बोला जाता है, और इंग्लिश में इसका नाम इंडियन रसल वाइपर है। एशिया का सबसे खतरनाक स्नेक है ये, हाई वेनमस हीमोटॉक्सिन। इसे हम पर्यावरण पर छोड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं और यहाँ हम इसे आज़ाद करते हैं, देखिए आप। और आगे तो आप सब लोग सभी जानते हैं, कभी भी किसी के घर में ऐसी घटना दुर्घटना हो, किसी भी को व्यक्ति को स्नेक बाइट हो, तो उसे तत्काल देर ना करते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँचे, झाड़ फूंक ओझा गुनिया के चक्कर में बिल्कुल ना रहें, क्योंकि लिए जो एंटी वेनम का समय रहता है 30 से 40 मिनट, वो आदमी झाड़ फूंक के में बिता देता है ओझा गुंजिया के चक्कर पर। और इसके कारण से जिस भी व्यक्ति को स्नेक बाइट होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हमारी वीडियो बनाने का मकसद मात्र यही है कि हमारे क्षेत्र की चारों साइड की पब्लिक, हर एक बच्चा बच्चा हर एक घर पर जागरूकता आए। इसी के साथ हम स्नेक को रिलीज करते हैं, देखिए। इस स्नेक से तो हमें भी बहुत डर लगता है, क्योंकि ये दुनिया का अत्यधिक खतरनाक स्नेक है जी। और बस डिब्बे से बाहर निकलने के लिए तत्काल तैयार है। देखिए निकला और ये गया पर्यावरण पर आजाद झाड़ियों के अंदर। चारों साइड बहुत घना लेंटाना है, बहुत ही घना जंगल है। इसके हिसाब से रहवासी इसका क्षेत्र बहुत अच्छा है, नज़दीक में पानी की व्यवस्था भी है, जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकता है। तो रसल वाइपर स्नेक पर्यावरण पर आज़ाद हो चुका है, इसी के साथ हम भी चलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति हमारी वीडियो पर नया होए तो हम उससे विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ऑल बेल आइकन पर टच करें, और जिससे उस व्यक्ति के पास हमारी किसी भी वीडियो और किसी भी प्रकार की स्नेक संबंधित जानकारी उस तक पहुंच सके। इसी के साथ चलते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और कभी भी किसी को भी किसी प्रकार का घर में खतरा महसूस होता है, हमें कॉल करें। किसी भी स्नेक को मारे ना, किसी भी प्रकार का स्नेक हो, चाहे वो पाइजन वाला हो, विदाउट पाइजन वाला हो, स्नेक तो खुद हमसे डरता है और हम स्नेक से डरते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी भी स्नेक को या किसी भी जीव जंतुओं को मार दें, उसे मौत के घाट उतार दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप हमसे संपर्क करें, हमारा नंबर स्क्रीन पर चलता है। और भी सभी क्षेत्र में हमारे लोकल निवास तहसील के अंदर सभी व्यक्ति के पास हमारे नंबर हैं, जिससे हमसे संपर्क करके अपने घर से खतरा को टलवा सकते हैं। किसी भी प्रकार के जीव जंतु या स्नेक को मारे ना। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।